अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हो। तो आज मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक लबाबदार रेसिपी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, और आप एक बार बनाओगे तो इंशाल्लाह आप हर बार बनाना पसंद करोगे। तो ऑयल मैंने ले लिया है तकरीबन 6 चम्मच, और उसमें मैंने जीरा, गरम मसाला पत्ता और 2 इलायची और तज डाला है, और मैं अब इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा लाइट सुनहरा रंग तक हमें फ्राई करना है। तो धीरे धीरे ये फ्राई होती रहेगी, गैस की फ्लेम हाई है तो हमें इसे फ्राई होने देना है। तो आगे देखिए, मैंने एक टमाटर लिया है और कुछ बादाम ली है जिसका मैं अच्छा फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो प्याज हमारी अच्छे से लाइट गोल्डन हो गई है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे 1 मिनट के लिए पकने दूँगी ताकि उसका कच्चापन हट जाए। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिए और पूरी रेसिपी अच्छे से देखिए। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से हिला दिया है और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो इसे हमें थोड़ा पकने देना है जब तक इसका पानी फिनिश ना हो जाए तब तक। तो देखिए, इसका पानी अच्छे से सूख चुका है, तो अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड किया है, और अब मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून ऐड किया है, लेकिन आप अपने तीखे के हिसाब से, तीखापन जो पसंद करते हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो 1/4 हल्दी पाउडर डाला है, और नमक स्वाद अनुसार डाला है मैंने 1/2 टीस्पून, और इसमें मैं 1 टीस्पून भरकर मतलब अंदाजन कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिए। मसालों को हमें अच्छे से पका लेना है, तो अच्छे से हमें इसे पकने देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी हर एक रेसिपी आपको मिलती रहे, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और फैमिली सर्कल में जितना हो सके इतना शेयर कीजिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाले हमारे अच्छे से भून जाए। बहुत ही अच्छी रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिए और बना के ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, मसाले अच्छे से भून गए हैं, तो मैं इसमें अब चॉप किया हुआ टमाटर जो मैंने लिया है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 2 टमाटर और बादाम डाल के उसे प्यूरी बना के फिर डाल सकते हो, लेकिन अगर आप चॉप किया हुआ टमाटर अलग से डालोगे तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट और ज़्यादा बेहतर आता है, तो आप यही कीजिए। अगर आप फिर भी टमाटर को पसंद, चॉप किया नहीं पसंद करते तो पीस के डालिए। तो इसमें मैं कुमिन सीड यानी जीरे का भुना हुआ पाउडर डालूँगी, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है इसमें। तो मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, तो इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे टमाटर को ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए, मसाला हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा भून गया है। अब इसमें जो मैंने टमाटर और बादाम का जो पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जो जार में भी है थोड़ा प्यूरी, उसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दूंगी। अब बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी, और इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। थोड़ी सी अलग है लेकिन टेस्ट इसका लाजवाब है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, मैंने वो पेस्ट ऐड कर दिया है और इस मसाले को मैं अच्छे से भूनने दूंगी। मसाला हमारा अच्छा भून गया है, लेकिन इसको हम ढक के भी भूनेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा धीमी मैं गैस की फ्लेम स्लो कर दूंगी। देखिए, मसाला हमारा भून चुका है, मैंने इसमें कैप्सिकम और धनिया ऐड किया है, लेकिन अगर आपको कैप्सिकम पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन कैप्सिकम से टेस्ट और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। तो देखिए, मसाला हमारा रेडी है, मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूँगी ग्रेवी के लिए। मसाला अच्छे से भून चुका है और तेल भी थोड़ा थोड़ा रिलीज़ हो चुका है, तो इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए।
बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती इसमें, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी होनी ज़रूरी है ताकि हम जब एग ऐड करें तो वो अच्छे से सेट हो सके। तो मैं इसे जब तक थोड़ा उबाल आएगा तब तक मैं इसे पकाऊंगी। और अब इसमें देखिए सही तरीके से हमारा हो गया है रेडी। तो अब इसमें हम एक एक करके एग ऐड करेंगे। आप जितने चाहे इतने एग ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 एग ऐड किए हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों, ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो आप अच्छे से इसे देखिए और अच्छे से फॉलो कीजिए रेसिपी को, तो इंशाल्लाह आपको आपकी रेसिपी और बहुत बेहतरीन लगेगी। तो देखिए मैंने 3 एग एक एक करके इसमें ऐड किए हैं और इसे मैं धीमी आंच पर ढककर पकने दूंगी। मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। तो आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो चीज़ मैंने हर तरफ थोड़ी थोड़ी डाल दी है और गैस की फ्लेम हम स्लो करके इसे ढककर पकने देंगे। अब मैं इसे इसमें थोड़ा थोड़ा नमक भी डालूँगी ताकि जो हमने अंडे डाले हैं उसमें टेस्ट अच्छे से आए। अगर आप चाहे तो काली मिरी भी ऐड कर सकते हो, उसका पाउडर। और देखिए हमारी रेसिपी रेडी है, अंडे अच्छे से पक गए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। तो देखिए मैं आपको निकाल के बताती हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे पराठे के साथ या पाव के साथ, जिसके साथ भी खाना पसंद करते हो आप खा सकते हो। बहुत ही यम्मी सी बनती है। तो ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।